सीरियल जय संतोषी माँ में जैसा सबको पता है कि संतोषी प्रेग्नेंट है और मधु को उसकी देखभाल के लिए रखा गया है, पर मधु संतोषी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये देखिए उसके खाने में क्या मिलाने जा रही है। मधु कभी भी नहीं चाहेगी कि इस घर में दूसरा वारिस आए, क्योंकि मेरा कोई बेबी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सारी प्रॉपर्टी जो है संतोषी के बच्चे को मिल जाएगी, इसलिए मैं उसे मारने की कोशिश करती रहती हूँ और उसको तंग करने के, वो बच्चे को ख़त्म करने के डिफरेंट तरीके ढूंढती रहती हूँ। इसमें आपने देखा होगा कि एक लाल रंग का रुमाल मैं निकालती हूँ और वो मैं संतोषी को देती हूँ, तो उसके पीछे एक स्टोरी है उसे मारने के लिए, उसके बेबी को ख़त्म करने के लिए। मधु कभी भी अगर मधु सुधर जाएगी तो फिर तो वो वैम कैसे रहेगी, तो इसलिए नेगेटिव रोल है, तो इसलिए मैं हमेशा हमेशा ही ऐसा ही रहेगा कि मधु ट्राई करती रहेगी डिफरेंट प्लान्स के साथ धैर्य और संतोषी को तंग करने के लिए। वहीं मधु संतोषी के पीछे पहले दिन से पड़ी है और तो और वो खुद को गिरगिट की तरह समझती है। मैं तो पहले दिन से उसके पीछे पड़ी हूँ, एक साल हो गया हमारे शो को, तो फर्स्ट डे से ही मैं संतोषी को पसंद नहीं करती। पहले वो हमारे घर में नौकरानी आई थी तब भी मैं उसको बहुत तंग किया करती थी, फिर गलती से धैर्य की उससे शादी हो गई तब भी मैंने उसे बहुत परेशान किया। अब सारी प्रॉपर्टी जब मैंने प्रॉपर्टी अपने नाम करने के चक्कर में दी तो धैर्य ने सब अपने नाम लिखवा लिया और मुझे घर में काम कर रही हूँ, मैं उसकी स्टाफ बन गई, तब भी मैं उसे तंग करने की कोशिश करती हूँ। मधु मिश्रा कभी भी नहीं सुधरी, वो अच्छा होने का नाटक करती है लेकिन वो बहुत ही डेंजरस है। इस कैरेक्टर को मैंने एक नाम दिया है गिरगिट। मधु जो है, मधु मिश्रा, वो एक गिरगिट है, वो रंग बदलती है सिचुएशन के हिसाब से। अब आगे क्या संतोषी के बच्चे को मारने में मधु कामयाब हो पाएगी, जानने के लिए सीरियल जय संतोषी माँ देखते रहिए।